हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो अपडेट करेंगे वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और जो हमारा रिव्यू ऑफिसर का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हुआ है एग्ज़ाम, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग अपडेट करेंगे इसमें। तो जो सुनवाई के अपडेट्स हैं वो सुनवाई के अपडेट्स हमारी 8 याचिकाएँ डाली गई थी, जिसमें से 5 याचिकाएँ जो कैंसिल हो चुकी हैं। टाइपिंग को लेकर बच्चों ने डाला हुआ था, ठीक है, तो टाइपिंग को लेकर उन्होंने डाला था, तो 5 याचिकाएँ कैंसिल हो चुकी हैं क्योंकि एनटीए का रिजल्ट है कब रेडी कर चुका है ऑलरेडी, बस उसको पब्लिश होने की देर है। जो भी कोर्ट केस डाला गया है तो बस इस वजह से ही लेट हो रहा है, और तो उसी का आपको अपडेट देना है। तो 3 याचिकाओं का रिजल्ट जो है आज शाम तक, फाइनल सुनवाई शाम तक हो जाएगी 3 याचिकाओं की, तो उसका भी मैं अपडेट वीडियो पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को अपडेट शाम तक मिल जाएगा जो 3 याचिकाओं का है। एक्चुअली बहुत सी जो बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी एस्पायरेंट्स की, कि उनका किसी का टाइपिंग का एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है, किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम तो सबके साथ हुई है वैसे, क्योंकि कुछ सेंटर्स पे चीटिंग का भी मामला सामने को आया, देखने को मिला है वाराणसी सेंटर पर, और कुछ वीडियोज़ भी मिले हुए हैं, तो इस वजह से इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो दो देखते हैं कि ऐसे तथ्यों पे क्या हाई कोर्ट क्या अपना डिमांड करता है, क्या बताता है उसको। और एनटीए ने तो अपना फाइनल रिजल्ट पूरा रेडी करके रख दिया है। जो 3 याचिकाओं की सुनवाई होनी है वो आज शाम तक अपडेट होकर आ जाएगी, तो उसका भी मैं शाम तक वीडियो जो भी मेरे जो कॉन्टेक्ट्स में हैं सारे इधर हाई कोर्ट में याचिकाओं के जो गए हैं उधर, मतलब अभ्यर्थी लोग, तो वो शाम तक तो अपडेट करके बता देंगे। तो जैसा भी अपडेट होता है तो शाम तक आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो के जो भी अपडेट्स हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो आपको मिलते रहेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और ऐसी कोई भी न्यूज़ आपको नहीं दी जाएगी कि जो कि मतलब भ्रामक हो या फिर आपका टाइम वेस्ट करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।